जो राज्यपाल है उनका बयान आया है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी लड़ाई होगी, दो मिनट की बात में वो सुने अपना बयान। मैंने सुना है और आज मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से बताता हूँ उसका कोई कह रहे थे आप पहले क्या कर दोगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज राजनीति मंच पे है, क्या कहना चाहोगे? ताऊ की चौपाल। देखिए ताऊ के पास पैसा तो है नहीं और जनता से अपनी बात करनी कि चुनाव आ रहा है, 709 किसानों को मत भूल जाना, चुनाव आ रहा है, माताओं बहनों के सर जांच होगी और जब जांच होगी तो योगी जो है जेल के अंदर होगा, ये लिख ले। अच्छा तब राकेश टिकैत ने कह रहे 26 जनवरी में फिर परेड होगी, अगर यही तो इस देश का दुर्भाग्य है तमाम लोगों का कि झांसा राम फिर आता झांसा देने, और अब के जनता ना योगी को जीता है ना मोदी को जीता है। सारे भाई ना भाई राम राम। एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर हरेंद्र तंवर हमारे साथ मौजूद है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इस वक्त मैं बता दूं देहात सहारनपुर में इस वक्त मौजूद है, देहात सहारन मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में सॉरी, उस तरफ दिखाइए, यहाँ पर जो है जबरदस्त रैली रखी गई थी और हरेंद्र तंवर ने भी जबरदस्त यहाँ पर जो अपना भाषण दिया, उसके बाद हरेंद्र तंवर जी से बातचीत करेंगे। अब की बार जो है क्या बदलाव हो रहे हैं, काफी जो गर्माई आ रही है चुनाव में 2022 जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तब सबसे पहले हरियाणा वालों ने राम राम, सब ने राम राम कर दे। जिस तरह से भाई हरियाणा ने पूरे देश के तुम्हारे देश दुनिया के तुम्हारे दर्शकों को और तुम्हें मेरी राम राम। तब क्या लग गया है अब की बार उत्तर प्रदेश में मेरठ में भी रैली हुई और आज भी योगी जी की रैली थी, योगी जी कहीं ना कहीं आप कह रहे थे कि बाबा छोड़ के बैठ गया। देखिए वो आएगा जब भी आएगा, बीजेपी का कोई भी नेता आए वो सिर्फ नफरत फैलाने आएगा। मुझे हिंदू मुस्लिम नहीं सुननी, मुझे शमशान कब्रिस्तान नहीं सुनना, मुझे पाकिस्तान तालिबान नहीं सुनना, मुझे बच्चों के लिए रोजगार सुनना है, महिलाओं की सुरक्षा। और आज तारीख 4 है, मोदी से पूछ के बताओ कि 2022 लग चुका है, किसान की आय दुगनी कब होगी? मुझे बताओ संविधान की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो? अजय कुमार टैनी से पूछताछ क्यों नहीं हुई, उसे क्यों बिना पूछताछ के क्लीन चिट दे रखी है? वो अभी तक जेल के अंदर क्यों नहीं गया? वो अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? जो वादा किया था किसानों से कि मुकदमे वापस होंगे, किसानों से बात की थी कि उनको मुआवजा मिलेगा, जो हमारे 709 किसान शहीद हुए हैं उस पर सरकार ने क्या किया? MSP पे अभी तक कमेटी क्यों नहीं बनाई? तो इन पे बात करो ना। तो आपने देखा है सत्यपाल अमरीक जो राज्यपाल है उनका बयान आया है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी लड़ाई होगी, दो मिनट की बात में वो सुने अपना बयान। मैंने सुना है और आज मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से बताता हूँ, उसका कोई भतीजा है या कौन है? अविरल मलिक है, उसने मुझे लिख के भेजा कि ये अंदर की बात है, अंदर कुछ होती हो कुछ और होती है और जनता को कुछ और बताई जाती है, तो अब क्या समझे, ये तो डुगडुगी बज रही है। अच्छा तो अपने उसमें घर में जो रोल है उनका, जिन्होंने शपथ दिलवाई, जिनकी पार्टी से है सत्यपाल मलिक गवर्नर जो है, तो उनके बीच में इतना बड़ा जो है दरार है रही है बीच में प्रधानमंत्री को, मतलब क्या शब्द उन्होंने क्या करके बताया कि जो है प्रधानमंत्री का दिमाग खराब है, अमित शाह ने भी एक बात कही है, तो इसमें क्या लगता है बीजेपी टूटती हुई दिखाई दे रही है? देखिए जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उत्तर प्रदेश के विधायकों में भगदड़ मच जाएगी, ये भी लिख लो। हाँ, क्योंकि सब लोग जान चुके हैं कि ये ड्रामेबाज हैं और ड्रामेबाजों से अब जनता वो नहीं करेगी। जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, महंगाई की मार कहाँ पहुँच गई है, तो ये सब अब मुद्दे उठेंगे और जो इन मुद्दों पे बात करेगा वो जीतेगा, वरना खदेड़ा यहाँ पक्का है। अच्छा अखिलेश यादव ने भी आज एक बात कही है कि श्री कृष्ण भगवान मेरे सपनों में आए, सुने आपने अभी बात? हाँ सुनी है। क्या, क्या मतलब क्या रीजन है? क्यों बहुत से लोगों के सपने में भगवान आ जा उनके में आ गया तो क्या हो गया? वो पार्टी पार्टी आपकी जीत गई, श्री कृष्ण भगवान ने सपने में आपकी पार्टी जीत गई। हाँ सही कह दिया, बढ़िया आशीर्वाद मिल गया उसको, मिल गया भगवान का आशीर्वाद। और एक चीज और बता दे, योगी के सपने में राम आवे, योगी जी के सपने में राम आवे। सीता मैया दुखी है कि उसके पति के नाम पर सारा चंदा खा गए ये ढोंगी, तो राम तो आते होंगे सोटा गदा लेके तीर लेके, ये भाग जाते होंगे वरना मार देंगे।
अच्छा योगी जी क्या लगता है आपकी बार कह रहे 300 बार सब 300 बार का नारा दे रहे हैं, क्या लगा अभी आप लोगों को? योगी जी को अपने लिए एक सुरक्षित सीट नहीं मिल रही उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी अखिलेश यादव इनके पास कोई मुद्दा क्यों नहीं है? 7 साल में क्या किया इन्होंने? 5 साल में योगी ने क्या किया? किसानों के सम्मान 8 साल में 7-8 साल में मोदी ने क्या किया? एक काम तो बता दो। ये कह गई हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, सबसे बड़ा काम ही हुआ, बिजली का काम खत्म। कौन कह रहा? बिजली बढ़ा दी, गुंडागर्दी। हाँ। अरे आगरा का व्यापारी या कानपुर का गोरखपुर में ठोक दिया, अच्छा ठोक दिया। रोज का अखबार, डेली अखबार उठाओ, अगर सारा अखबार गुंडागर्दी से नहीं भरा पड़ा हो भाई। उन्नाव में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? अलीगढ़ में क्या हुआ? जहाँ सहारनपुर में खड़ा, यहाँ क्या हुआ? मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? मेरठ में क्या हुआ? गाजियाबाद में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर में भी तो गया अखिलेश यादव ने, पिछली बार पंगा करवाया था। किसने? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने नहीं, इन बीजेपी वालों ने कराया था। अच्छा। और ये नफरत बांटेंगे, हम प्यार बांटेंगे। अच्छा तब उन्होंने कह रहे थे कि आप पहले क्या कर दोगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज राजनीति मंच पर है, क्या कहना चाहोगे? ताऊ की चौपाल देखिए, ताऊ के पास पैसा तो है नहीं, और जनता से अपनी बात करनी कि चुनाव आ रहा है, 709 किसानों को मत भूल जाना, चुनाव आ रहा है, माताओं बहनों के सर फूटे हैं मत भूल जाना, 13 महीने की किसानों की तपस्या मत भूल जाना, और लखीमपुर खीरी को मत भूल जाना। तो इन्हें सबको, प्रदेश की जनता को बताने के लिए मुझे तो पब्लिक चाहिए, तो यहाँ पब्लिक भी मिली प्रदेश की, और मंच भी मिला बोलने के लिए। तो ताऊ पे क्या पैसा रखा? ताऊ तो अपनी बात सब जगह कहेगा, और ताऊ की चौपाल है। अच्छा ताऊ लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया सरकार ने, हरियाणा में भी कई जिलों में लॉकडाउन लगाए थे, ये खूब लगा लो, किसानों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं होता, हमारी पंचायत ताऊ की चौपाल और किसानों की पंचायत तो चलेंगी। मुझे मेरठ में रैली थी, रैली की जो बस थी ना सरकारी बस, वहाँ क्यों पहुँच रही थी रैली में? ये जनता पूछती है, मैं भी जा रहा था वहां से। जिस दिन ये सरकार गिरेगी, इनकी जांच होगी, और जब जांच होगी तो योगी जो है जेल के अंदर होगा, ये लिख ले। अच्छा तब राकेश टिकैत कह रहे 26 जनवरी में फिर परेड होगी, अगर देखिए वो हमारे सेनापति हैं, और जब सेनापति ने जो आदेश दे दिया सेना वही करती है, तो होगी परेड, कर लेंगे हम तो, क्या हो गया? अच्छा सेना में हो मतलब बीबी, आप उसकी सेना में हो बीबी? जब से वो बनी है भारतीय किसान यूनियन, मैं तब से हूँ, ना कोई चुनाव लड़ूंगा, ना किसी पार्टी की सदस्यता लूंगा। गणेश जी में सोच रहे होगे ताऊ समाजवादी पार्टी का वो कर रहा है, लेकिन ताऊ की जो पाल थिया और सेना में बीबी है उसी किसान में, एसकेएम में ताऊ बीबी है। मैंने तब भी कहा था कि मैं उस पार्टी का प्रचार भी करूंगा जो बीजेपी को हराएगी, तो अब अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तो अपनी बात, किसानों की बात, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा है, माताओं बहनों के मुद्दे, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे, रसोई गैस का मुद्दा, डीजल का मुद्दा, पेट्रोल का मुद्दा, ये कौन उठाएगा? तो इन सबको बताने का काम करने के लिए मुझे निकलना पड़ेगा। अच्छा तब आपने लग गया कि समाजवादी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी ने रह सका, कांग्रेस ने लग दिया। देखिए उसके पास अपना कैडर नहीं है, अपना कैडर नहीं है उसके पास, तो आप देख रहे हो गए सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक भी जनता सड़कों पर है, तो ये एक सैलाब है, और ये ला रहे हैं सरकारी भीड़ के प्रधानों से कह रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को ला रहे हैं, आंगनवाड़ी ला रहे हैं, राशन वालों से कह रहे हैं, अधिकारी फोन कर कर के कह रहा, तो ये भीड़ नहीं है। चलो भाई चुनाव तो योगी जी का, कसरत मोदी जी ने करनी पड़ रही है, चुनाव तो योगी जी का, कसरत मोदी जी ने करनी पड़ रही, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है, तमाम लोगों का कि झांसा राम फिर आता झांसा देने, और अब के जनता ना योगी को जीता है ना मोदी को जीता है। चलो जी तो भाई वीडियो ने शेयर कर दिया अंदर ताऊ लगातार इसी तरह से हम ताऊ के दौरे दिखाते रहेंगे, आज भी जबरदस्त ताऊ का एक जोरदार स्वागत किया गया था, ताऊ गड्डी में चल रहा है फॉर्चुनर में, ताऊ फॉर्चुनर में मजा आ। देखिए किसानों की फॉर्चुनर है, कोई बैठा ले, सम्मान करे, कोई बैठा ले, ताऊ की कोई अपनी गड्डी नहीं है, ताऊ भाई अपना जो है काम कर रहा है, ताऊ की चौपाल लग रही है, तब तक बने रहिए एनडी हरियाणा चैनल पर, लगातार ताऊ की चौपाल एनडी हरियाणा चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद सर।